2019 में बीएसपी ने सपा के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सपा के वोट बैंक के सहारे बीएसपी को 10 सीटों पर जीत भी मिली थी, लेकिन चुनाव के बाद मायावती ने अखिलेश यादव को ऐसा झटका दिया कि सब देखते रह गए। उस समय तो अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब जैसे जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा एक के बाद एक झटका बीएसपी को दे रही है। अब एक बार फिर बीएसपी के एक बड़े नेता और उनके समर्थकों ने माया के हाथी को छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली। बरेली जिले के बहेड़ी नगर पालिका के चेयरमैन और बहेड़ी विधानसभा से 2017 में बीएसपी के टिकट पर प्रत्याशी रहे डॉक्टर नसीम अहमद ने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित ऑफिस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने डॉक्टर नसीम अहमद को समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। डॉक्टर नसीम अहमद के साथ उनके सैकड़ों समर्थक और बहेड़ी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बहेड़ी विधानसभा के दर्जनों मौजूदा प्रधानों ने भी समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सर्व समाज को लेकर पार्टी चल रही है और चुनाव में भी हम विकास के मुद्दे पर ही जाएंगे। पटेल कहते हैं कि सर्व समाज को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आज इसी दिशा में भारी संख्या में सभी समाज के लोगों ने पार्टी पर विश्वास जताया हुआ है और प्राथमिक सदस्यता भी ले ली। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि वो क्षेत्र में जाकर जरूरतमंदों की मदद करें और 2022 में चुनाव जितवाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाएं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी 2022 में कोई चांस नहीं लेना चाहती है, जिसके मद्देनजर अभी से सांसदों, विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है।